नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को हिंदू संगठन के लोगों ने दोनों अभिनेताओं के पुतले फूके और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बॉलीवुड सबसे बड़ा वैश्यालय है, इसके द्वारा सनातन धर्म का कुटारघात किया जा रहा है। भगवा रंग पर टिप्पणी करने वाले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को फिल्म पठान को मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। विरोध में संगठन के लोगों ने पुतला फूका और मांग की है कि उत्तक फिल्म को मध्य प्रदेश में इतना होने दिया जाए। आइए सुनते हैं संगठन के लोगों ने क्या कहा है। भाई भाई। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमेशा जितनी भी मूवियां बनती हैं, जितनी भी फिल्म बनाई जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदुत्व हमारा सनातन धर्म है उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। ये हमेशा से चला आ रहा है, एक मुहिम चल रही है। आप चले जाइए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बॉलीवुड है वो आज की डेट में सबसे बड़ा वैश्यालय हो गया है। आप देखते हैं कि मूवी बनती है, मूवी बनाई जाती है और गाने का नाम होता है बेशरम रंग, ठीक है ना। और जो उसपे वस्त्र पहने गए हैं वो भगवान है ना। इस तरह से ये हमेशा कुठाराघात किया जा रहा है। तो हम लोग जो ये मूवी है इसका बहिष्कार कर रहे हैं। पठान मूवी को हम लोग नहीं लगने देंगे, नहीं चलने देंगे। और अभी हम लोग ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि मध्य प्रदेश में ये बैन किया जाए और जो भी हमारे हिंदुत्व के लिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के साथ खेलेगा उसको उसी तरह से जवाब मिलेगा, चाहे जिस हद तक हमको जाना पड़े। पुतला दहन किसका किसका? पुतला दहन यहाँ पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का किया गया है। शाहरुख खान को पहले हम लोग ले जा करके दफनाने वाले थे, जो यहाँ पर पुष्पराज नगर कब्रिस्तान है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये डर था कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो इसलिए उनके कहने पर हम लोगों ने यहाँ पर ही इसको वो कर दिया है, जला दिया है ना। और जी, रामशंकर मिश्रा।